गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर जस्ट कंफर्म करते हैं। लास्ट 17 हुआ था, ओके। सम नंबर 17 हमने किया था, नंबर 18 से बाकी है, ओके। 18 19 बोथ आर सेम, 20 थोड़ा अलग मेथड का है, दोनों कॉमन ही, कोई नई चीज़ नहीं है। 18-19 बोथ आर रिलेटेड टू द इंटरसेप्ट मेथड, ओके। देन कंटिन्यू, स्टार्ट विथ नंबर 18। व्हाट अबाउट नंबर 18? फर्स्ट ऑफ ऑल, पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस से जो कट हो रही है वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2, दिस इज द लाइन इक्वेशन, ओके। ये लाइन का इक्वेशन हमें प्रूव दैट करना है, तो अल्टीमेटली पूछा तो लाइन का इक्वेशन ही है। बट ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एज लाइक जस्ट रिप्रेजेंट इन द ग्राफ फॉर्म, ओरिजिन ओ 0 0, कट टू पॉइंट लाइन ऑन एक्सिस, ओके। जस्ट नाम तो नहीं दिए, अपने हिसाब से दे दो, ए बी मिड पॉइंट पी, मिड पॉइंट इज ए बी, ओके। डिस्टेंस ऑन कट ऑन एक्स एक्सिस एच, वाई एक्सिस ऑन के, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ है ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो एच 0, 0 के एंड पी ए बी, दैट मीन्स आगे अब ढूंढना है हमें लाइन का इक्वेशन, तो ए बी इज द मिड पॉइंट है, इतना तो क्लियर है। तो थोड़ा बहुत अब लॉजिक लगाते हैं कि क्या मीनिंग बनता है, क्या नहीं बनता है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अब समझिए बेटा कि भाई इंटरसेप्ट हमारा एच एंड के हुआ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर सीधी बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन एच के से हिसाब से, तो एक्स बाय एच प्लस वाई बाय के इज इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल इक्वेशन रहेगा। पर ऐसा तो मांगा नहीं है, हमें ए बी के फॉर्म में मांगा है। तो हम जानते हैं कि पी ए बी, ए बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए स्मॉल ए बी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम एच प्लस 0/2, 0 + k/2, तो दैट मीन्स एच बाय 2 के बाय 2 किसके बराबर, ए बी के बराबर। That means h by 2 is equal to a, k by 2 is equal to b. That means h is equal to 2a and k is equal to 2b. ये हमारे दो आंसर आए, क्यों? क्योंकि हमें एच के को ए बी में कन्वर्ट करना था, किसमें, ए बी में। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ h और k इन इक्वेशन नंबर 1, तो x डिवाइड बाई 2a, y डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू 1, इधर से 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर को सामने जाने दिए, तो x बाय ए y बाय बी इज इक्वल टू 2, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2, प्रूव दैट। हमें यही चीज प्रूव करनी थी, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट इक्वेशन हमारा रेडी था, बट इस फॉर्म में नहीं मांगा था, तो एच के को इंटरचेंज करने के लिए हमने मिड पॉइंट ए बी का यूज किया, एंड एच इज एंड के इज कन्वर्ट इन टू ए बी, देन पुट द वैल्यू ऑफ एच के इन द इक्वेशन, फाइनली वी गोट एग्जाम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। नंबर 19 ऑलमोस्ट सेम, उसी पैटर्न का सम है। व्हाट अबाउट नंबर 19? पुट आर एच के डिवाइड लाइन सेगमेंट, सॉरी पॉइंट आर एच के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस नॉट अ मिड पॉइंट बट इन द रेशियो 1:2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, बात वही है बेटा। अगेन उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, ऐसे ही एक्स कट कर रहा है, ये ओ हमारा 0 0 है, पॉइंट ए पॉइंट बी कट कौन कर रहा है, आर एच के, आर एच के कर रहा है,
किस रेशियो में, तो 1:2 रेशियो। क्लियर। तो अभी ए और बी के बारे में तो हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ओके, पर इतना तय है कि उसी को भी हम कुछ ना कुछ सपोज कर ले। जैसे ए है तो एच जीरो, फिर जीरो के बात तो वही हुई, ओके, पर आर नहीं, एच के ऑलरेडी नाम दिया है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ए जीरो एंड जीरो बी ले लेते हैं, ओके। अब आर एच के डिवाइड कर रहा है ए बी को इक्वल फॉर्म में, तो एच के अगर मतलब को हमको कुछ आंसर चाहिए, डैट मीन्स एच के का मतलब कि कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो इक्वेशन ऐसा है आर एच के इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। 1:2 रेशियो तो 1:2 तो एम इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2। चलो क्लियर। ये हमारा एक्स वन वाई वन और ये हमारा एक्स टू वाई टू, डालो सबकी वैल्यू। तो एम एक्स टू, एक्स टू खुद जीरो है तो जीरो, एन एक्स वन, एन दैट मीन्स क्या है 2, ओके, और एक्स वन तो 2a, नीचे 2 प्लस 1 3। एम वाई टू, चलो y2 हमारा b है, m है 1 है तो b, ओके, एन वाई वन तो 2 और y1 0 तो पूरा 0 और नीचे 2 प्लस 1 3, ओके। किसके बराबर, एच के बराबर, तो h इज इक्वल टू 2a बाई 3, k इज इक्वल टू b बाई 3, फ्यूचर में a चाहिए तो 3h बाई 2, b चाहिए तो ठीक के, क्यों ए बी चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्ट का डिस्टेंस ए एंड बी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, डालो वैल्यू ए बी की, तो एक्स बाय ए दैट मीन्स 3h बाय 2, वाई बाय बी दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू 1, डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर तो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1, ओके। सब कुछ सामने लेके जाके अगर एक्सप्लेन करना है तो भी कर सकते हो, ओके, भाई एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, 3h के ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3h के, तो 3h है तो 2x, यहाँ पे k मिसिंग, 3k है तो यहाँ पे h मिसिंग और ये 1, तो 2kx कर दो प्लस hy कर दो, ये सामने जाएगा तो 3hk, पकड़ के इधर लाओ तो 2kx प्लस hy माइनस 3hk इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर, वही सेम मेथड, बस इसमें मिड पॉइंट था, इसमें रेशियो के फॉर्म में था, दोनों में हमने क्या हुआ पॉइंट ही ढूंढा, पॉइंट ढूंढने के बाद जो लाइन इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन था उसमें रखा। लास्ट सम ऑफ दी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 20 इजी है और इसमें मेथड अलग है उस दोनों के हिसाब से। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन यूज करके प्रूव दैट 3 पॉइंट ए बी सी, ए दैट मीन्स 3 0, बी दैट मीन्स -2 -2, सी दैट मीन्स 8 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, ओके, फॉर दैट कंडीशन कोलिनियर, बट क्वेश्चन इज क्लियर से दैट कि यूजिंग द लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन का यूज करके कोलिनियर प्रूव करो, वरना तो क्या ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप कर देते, लाइन मतलब कोलिनियर है तो तीनों का स्लोप क्या आए, सेम आए, ओके, बट ऐसा नहीं बोला है तो इक्वेशन करते हैं, चलो ए बी का यूज करते हैं, ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, लाइन का इक्वेशन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन
एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, तो पुट दी वैल्यू, व्हाट अबाउट वाई टू, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो माइनस टू वाई वन माइनस जीरो, नीचे वाई माइनस वाई वन जीरो, एक्स टू तो माइनस टू माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस टू नीचे वाई माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, सामने जाने दो तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस फाइव वाई, चलो टू एक्स सामने तो प्लस फाइव वाई एज वेल एज प्लस सिक्स सामने तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, लाइन ए बी का इक्वेशन आया। अब और इक्वेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, तीनों कोलिनियर हो तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। अब ये दोनों पॉइंट का तो कॉम्बिनेशन से हमने इक्वेशन बनाया, तो तीसरा पॉइंट ये लाइन के ऊपर है कि नहीं वो चेक करने के लिए उसी लाइन के इक्वेशन में रखो, पुट सी ए टू, अगर ये पॉइंट उसमें रखने से इज इक्वल टू जीरो मिल जाए, दैट मीन्स मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये पॉइंट इसके ऊपर है, डालो एट जा टू सिक्सटीन, माइनस फाइव जा टू टेन, माइनस सिक्स इज इक्वल टू, तो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन दैट मीन्स जीरो, ओके आ गया आंसर। ए टू पॉइंट इसमें रखने से ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, तो ए बी का तो इक्वेशन था, सी पॉइंट भी उसमें सेट हो रहा है, दैट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर, बोलो समझ में आ गया, सिंपल है बेटा, तीन ही समय, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म, आज नया टॉपिक नहीं लेना है। क्या सीखा हमने, तो नंबर 18 एंड 19 दोनों बोथ आर रिलेटेड टू द इंटरसेप्ट, ओके, पर एक में क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है और एक में रेशियो दिया है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से पहले कोऑर्डिनेट ढूंढे, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से कोऑर्डिनेट ढूंढे, दोनों की वैल्यू इक्वेशन में डाली, फाइनल आंसर मिला। नंबर 20 में ए बी सी तीन है, तीनों पॉइंट कोलिनियर दिखाते हैं पर लाइन का इक्वेशन यूज करके, तो लाइन का इक्वेशन दैट मीन्स दो पॉइंट का यूज किया, इक्वेशन मिला। अब तीसरे पॉइंट के लिए अलग से इक्वेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तीसरा पॉइंट उसी में डालो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड दैट मीन्स आंसर डन, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड तो आंसर नॉट कोलिनियर हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना बेटा, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 खत्म, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट करो, थैंक यू।